नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कैसे डालते हैं। तो दोस्तों, आपके पास या तो सीडी में पड़ा है या तो पेन ड्राइव में रखा है, तब तो आपने क्या करना है, माई कंप्यूटर को ओपन करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं, या फिर मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है, ये पेन ड्राइव है मेरी। इसके अंदर मैंने इसको राइट क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा। उसके बाद ये ऑफिस 2007 है, मैंने इसको ओपन किया। चाहे 7 है, चाहे 10 है, चाहे 13 है। फिर इसके अंदर आप देखोगे, सबसे पहले ये आता है सीरियल, एक सीरियल नंबर होता है इसके अंदर। आपको क्या करना होता है, इसको कॉपी करना होता है। जैसे मैंने इसको पूरे को कॉपी कर लिया, सिर्फ सीरियल को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आप देखोगे एक सेटअप नाम की फाइल है, ये नीचे ये जो फाइल है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जो आपको फाइल दिख रही है, ये सेटअप की फाइल है। हमने क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है। ओपन कर दिया, फिर हमने यहाँ पर आ रहा है यस, यस और नो, तो हमने यस कर दिया। अब जैसे आपने यस किया है, तो आपके सामने ये ऐसे आ रहा है, ये कह रहा है एंटर योर द प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की हमने जो कॉपी किया वो प्रोडक्ट की है इसकी, हमने इसको पेस्ट करना है, तो हमने पेस्ट कर दिया। तो हमने इसमें पेस्ट कर दिया। इसके बाद नीचे ये है, देखो अब नीचे एरो जो माउस जा रहा है, इसके ऊपर कंटिन्यू करना है। अगर प्रोडक्ट की आपकी गलत होती है तो यहाँ पर ये टिक नहीं आएगा, रॉन्ग बताएगा, तो आपने कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपने करना है आई एक्सेप्ट, या आई एक्सेप्ट है। उसके बाद नीचे साइड में दिखा रहा है, राइट साइड में कंटिन्यू। इसके बाद आपने कस्टमाइज नहीं करना, आपने इंस्टॉल नो करना है। इंस्टॉल नो पर हम टिक करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालते हैं। इसके लिए जैसे ज़्यादा 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम लगता है, आपने तब तक वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता। चाहे आप लैपटॉप के अंदर डालते हैं, चाहे आप डेस्कटॉप के अंदर डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोसीजर होता है किसी भी लैपटॉप, किसी भी चीज़ के अंदर आप डालने के लिए। ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही हम डालते हैं, और आपने तब तक वेट करना जब तक इंस्टॉल ना हो। आप कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। सूचित किया जाता है कि आपके
जावा बागना जी, प्रवाल सिंह जी, पचना में आज बात होने का भारत का कुछ ही शर्मा शुरू किया जाएगा। तो जहां तक भी मेरी बात सुनाई पड़ रही है, सभी ने अपने अपने कार्य से लेकर तो उसे बाबा जी के चरणों में पहुंचने की कृपा करनी है, मामा के स्वागत चरणों में पहुंचने की कृपा करनी है। आज आपके बीच में सम्मेलन वाले माजनार भाग चुके और आपके बीच में ये माता बाबा सुंदर दरबार सजा दिए हैं। तो सभी को इसी जागरण की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद ये कुछ करता है सभी भावकों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और माजनों में दिया अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो इसी के साथ ही मैं जरूर तारीफ चाहूंगा पंडित कमेटी के लिए जिन्होंने बहुत ही जल्दी अरेंज कर दिया और ये क्षण में आना वाना खिला के सबको भेज दिया। भाजपा में बहुत कम समय लगने के बाद बहुत अच्छी व्यवस्था की उन्होंने। तो भाजपा में जोरदार तालियां चाह रहा हूं कमेटी के लिए। क्या बात है, अभी ताली में कभी उसी करें दोनों हाथ ऊपर करके ताली लगाई है कमेटी वालों की। क्या बात है, बहुत अच्छी कमेटी मंदिर वालों ने अरेंज की है भाजपा में। तो इसके बाद एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं उस शख्सियत के लिए जिसकी बदौलत की एक दूर दूर तक माजरों में हाथियां लगाने के लिए पहुंचता है। मैं तुम्हारा जोरदार तालियां पंडित शशि शर्मा के लिए। क्या बात है जी, तालियों में कभी उसे नहीं करनी, अगर तालियां बराबर मिलेगी तो प्रोग्राम भी बराबर मिलेगा सुबह तक। तो दोस्तों हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। अभी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, कहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है। आपने ओल्ड प्रोग्राम में जाना है, ओल्ड प्रोग्राम के अंदर आप देखोगे ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको आपने ओपन करना है। एक्सेल आपको खोलना है तो एक्सेल के ऊपर टिक करना है, एक्सिस को खोलना है एक्सिस को टिक करना है, अगर पावर पॉइंट है तो पावर को, अगर वर्ड खोलना है तो हमने वर्ड के ऊपर टिक करना है। तो दोस्तों देखा कि हमारा जो ऑफिस इंस्टॉल हो गया और अब खुलकर आ गया है। तो ऐसे ही हम कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में ज़रूर कुछ सीखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।